मगर पहला रेड का जिम्मा लेकर के चल रहा है। रेड की कमान पृथ्वी पाल के कंधे के ऊपर, पहला रेड अमित कुमार के कॉर्नर, वहां से राउंड अप के साथ ये देखिए सब हर में काम करके दिया पृथ्वी, बड़ी खूबसूरती के साथ पूरा किया एक छोर से और दूसरे छोर से, इस समय सोलर के काम छोटा चलिया कवर के ऊपर सफलता हाथ लग रही है लगातार और इस सफलता के साथ दूसरे अंक पर जा रहा है कबड्डी दल दौड़ने के लिए राजेश कुमार ने नाम नंबर चार की जर्सी के साथ और घेराबंदी बन गई है और घेराबंदी वहां पर करके रखा कबड्डी दल दौड़ने के लिए पहला अंक की तलाश, पहला अंक की तलाश अभी भी है समय धोनी कलारी को लिम्हा जीरो के ऊपर और यहां से जिस तरीके से डिफेंस देखने को मिला है कबड्डी दल धोनी कलारी का वो देखते ही बना है, दो मुख्य रेडरों को शिकार करके पॉलियन का रास्ता जरूर दिखाया, एक मरतबा को टच लेने के साथ दूसरा डिफेंस कर लिया कवर से जिसके फलस्वरूप 13-0 के मुकाबले इस समय स्कोर बोर्ड पर साफ नजर आ रहा है। अब कहीं जाकर के जयंत को अजमा रहा है, दो उनके उस शिकारियों का शिकार करके सुनिश्चित पॉलियन का रास्ता जरूर दिखाया है मर्तबा, वो एडवांस लेकर ऊपर गए हैं एक्स्ट्रा आत्मविश्वास, ये देखिए दो टेकल जरूर आपने सार्थक तरीके से किया, जयंत को कहीं जाकर के अंदर जाने की जरूरत थी और बाहर जाते जाते ही सही मतलब अंदर जाते ही उसको टेकल के लिए गए जिसका खामियाजा ये देखिए उसको सही तरीके से अंदर जाने का होती और उसकी बात कही जा करके वो बात बनती बनता लेकिन कुछ हुआ नहीं और अंत में समिति सदस्य अगर इस शोध रहे तो समिति राज दुनिया कर दे दो चार मुकाबले मुकाबला इस समय बड़ा मुकाबला है और बड़ा मुकाबला है दोनों टीमें एक छोर से कबड्डी दल धोनी कलारी दूसरे छोर से कबड्डी दल लिम्हा पृथ्वी पाल स्ट्रगल के ऊपर राजेश कुमार और जैन टेकाम बाहर है एक मरतबा क्या पृथ्वी पाल का भी शिकार सुनिश्चित कर जाएगा और पृथ्वी पाल का भी शिकार सुनिश्चित कर दिया एक अंक लिया पांच और दो के मुकाबले 3 अंकों की बढ़त हो चली है कबड्डी दल धोनी कलारी के पास सोनू टेकाम नंबर 9 के जर्सी के साथ चार का डिफेंस है एक कॉर्नर पर सत्यम की जोड़ी दूसरे कॉर्नर पर आर्यन की जोड़ी लेकिन जिस तरीके से मुकाबला हम देख पा रहे हैं बैक फुट पर शुरुआत के क्षण से बना करके रखा है अंदर का टच लिया महत्वपूर्ण रूप से सत्यम का शिकार सुनिश्चित कर लिया धोनी कलारी 6 पर पहुंचा आर्यन नंबर 3 की जर्सी के साथ तमाम रेडरों का शिकार सुनिश्चित कर दिया है यहाँ पर तमाम रेडरों का शिकार करने के साथ पॉलियन का रास्ता दिखाया है चार खिलाड़ी समय पॉलियन पर विश्राम कर रहे हैं और कोर्ट के अंदर केवल 3 खिलाड़ी जिसमें आर्यन स्ट्रगल के ऊपर और महत्वपूर्ण रूप से एंगल छोड़ लिया कॉर्नर के सामने कॉर्नर के खिलाड़ी एक अच्छे रणनीति के साथ एंगल को लिया और एंगल को लेने के साथ साथ कैच को पूरा कर लिया ये देखिए कच का और दो चार फिर धारा हो रहे हैं तो यहाँ से 11 और 2 के से डिफेंस लगा कर रखा है टाइम आउट के बाद टाइम आउट के बाद से आराम हो चला है पृथ्वी पाल है समय स्ट्रगल के ऊपर नंबर 2 के जर्सी के साथ पृथ्वी पाल पृथ्वी पाल जहाँ उन लगातार एक मरतबा टच का अंक सुनिश्चित कर रहा है एक अंक भरपाई कर रही है कबड्डी दल विभाग
दौरे कलारी 11 पर। तो यहाँ से जिस तरीके से हम मुकाबला देख पा रहे हैं, एक लंबा सा स्टैच खींचा सोनू निगम ने और अब से एक बार फिर से गलती हो गई। अब एडवांस नंबर 1 की जर्सी के डिफेंस को पाने का रास्ता दिखाया। लगातार स्ट्रगल के ऊपर फायदा हर रेड एक बार तबाह को हर से अंक छूट गई है और यहां से रेड एक वाली बात हो कि कितने अंकों का नुकसान हो चलेगा। पॉइंट सुपर रेड 4 पॉइंट सुपर से भी ऊपर का रेड सुनिश्चित 4 पॉइंट सुपर रेड 4 12 का सुपर रेड टाइम पर सुपर रेड इस मुकाबले का करने की है सही। लेकिन इस धीरे धीरे जिस तरीके से वापसी के दरवाजे खटखटा करके रखा है कबड्डी दल लिम्हा, ये देखने वाली बात होगी। बारह लिम्हा को इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले टीम है नहीं, लगातार को जारी रखेंगे और स्ट्रगल को जारी रखने के साथ साथ ये देखिए कहीं आगे हो जाए और अंत में ऑफ जाएगा और एक छोर से डिफेंस सोनू के आदमी का घर में खड़ा किया है दूसरे छोर से और अंत में रेडर को सेव किया डिफेंस को टू डिफेंस को गोलियां का रास्ता दिखाया। तो 9 पर पहुंचा इस समय कबड्डी दल ही वहां 9-3-12 तो 3 अंकों की बड़ा तभी है तीनों ले जाओ एक छोर से अमित कुमार अब कहीं जाकर के रिवाइवल के साथ एक छोर से कहीं जाकर के ओम प्रकाश रिवाइवल के साथ और लेकिन ओम प्रकाश जगत ने वो एक अच्छे खूबसूरत तरीके से 19+2 पॉइंट का यहाँ अंक लिया जिसके फलस्वरूप ये कहीं जाकर के मुकाबला अभी तक 10-15 का मुकाबला यही संपन्न हो रहा है। लिम्हा 10 इस मुकाबले के बाद कबड्डी दल दौरे के नाम 15 खुद मुकाबले में रणनीति क्या तैयार कर रही है इस समय कबड्डी दल लिम्हा छोर से और दूसरे छोर से जहां उस अंकों का कंसोलिडेट क्या करके रख पाएगा जहां बढ़त का 5 अंक लेकर के चला है क्या रख जाएगा उसको ये देखने वाली बात होगी। और यहां से लगातार स्ट्रगल को जारी रखा है और स्ट्रगल को जारी रखने के साथ साथ कहीं जाकर के अमित कुमार दूसरे हाफ का पहला रेट का जिम्मा लेकर के टू टच के लिए जरूर जाएगा हर के ऊपर एक लंबा खींचा कॉर्नर रेट के ऊपर और सुधारा जा रहा है खिलाड़ी से सुधारा जा रहा है महत्वपूर्ण रूप से और सुधारने के साथ साथ वन डिफेंस को कॉलियन का रास्ता दिखाया। अब कहीं जाकर के प्रधान फोर्ट के अंदर है तीन की और टिकड़ी सुपर टैकल का मौका अभी भी है 10-16 के मुकाबले यहां से 10-16 के इस मुकाबले में यह देखने वाली बात होगी इस तरह से यहां से मुकाबला को टर्फ में लेकर के चलेगा यह देखने वाली बात होगी 10-16 के मुकाबले में और 10-16 के इस मुकाबले में क्या यहाँ से गलती हो जाएगी डिफेंस की नहीं एक गलती ना होगा 11-16 के मुकाबले 5 अंकों की बढ़त अभी भी है 5 अंकों की बढ़त अभी भी है और यहाँ से अमित कुमार तो लगातार ऑल आउट को बचा करके रखा है। ये अच्छी खबर है दौरे के दौरे के लिए ये पता है लेकिन एक मरतबा बोनस का अंक निश्चित हो रहा है कबड्डी दल दौरे के दौरे के लिए टेबल का अंक जा रहा है कबड्डी दल के लिए 12-17 के मुकाबले 5 अंकों की बढ़त है। ओम प्रकाश अंतिम खिलाड़ी है और ओम प्रकाश इस समय वो ऑल आउट तक 3 अंक देकर के ऑल इन हो रही है पूरी टीम दौड़ी कलानी 15 रूप से और
यहाँ पे फुल लगातार जिस तरीके से अंग बटोर करके रखा, वापसी के हर हर एक पत्र मा करके रखा, हर एक तीर चला करके रखा और तीर काम आई ली वहां का वापसी के लिए। ये देखते ही बना है महत्वपूर्ण रूप से सोनू टेकाम इस समय स्ट्रगल के ऊपर अभी भी दो अंकों की बढ़त वो इस समय सोनू टेकाम के पास है, अर्थात दोनों खिलाड़ी के पास है। डिफेंस के ऊपर सात खिलाड़ियों का हाउस फुल मैदान सुनवाई के साथ ऑल इन के साथ में जहां ऑल आउट हो रही टीम और ऑल इन ये देखते हैं कि बाल का सिग्नल निश्चित करना बड़ी तेजी के साथ राइट पर गेट एंकल होल्ड किया, एक अंक बढ़त का हो गया तो 15-18 मतलब 3 अंकों की बढ़त का क्या टोटल के लिए सफलता हाथ लगेगी ये देखने वाली बात होगी। और वो कॉर्नर से फाइव पर गए सोनू टेकाम का राइट फाइव पर जाने के साथ साथ कैच को पूरा कर लिया कोर्ट के ऊपर नंबर 4 की जर्सी के साथ दो अंकों की बढ़त अभी भी है दौड़ी खिलाड़ी के पास। जिस तरीके से बढ़त है उस बढ़त को किस तरह से भरपाई करेगा यहां से एक छोर से उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है। कबड्डी दल लिम्हागढ़ का प्रयास तो बखूबी रहा राजेश कुमार नेताम का, दोनों छोर से अंक चुराने की कोशिश जरूर रही है लेकिन क्या यहाँ से एडवांस का और एक अंक की भरपाई कर रही है 17-18 के मुकाबले। इस तरीके से पहले हमने एक अच्छी बढ़त लेकर के चले, उससे पहले भी एक अच्छा बढ़त रहा उसमें संयम बरतने की आवश्यकता रही दौड़ी खिलाड़ी को, संयम के साथ सूझबूझ के साथ उस खेल को खेलना था इस मुकाबले को, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरते गया वो आपस होता गया डिफेंस और ऑफेंस ये होता है और इंपल का मुकाबला हो चला 18 पर है इस समय दिमाग 18 पर है दौड़ी खिलाड़ी ऑफिशियली टाइम आउट का बुलावा। गलती पे गलती भी है उसे एडवांस टेकल से भी बचना रहा कबड्डी दल दौड़ी खिलाड़ी को, तब कहीं जाकर के मौके बनते तब कहीं जाकर के बात बनती और इसमें पृथ्वी पर अभी भी मौके हैं दोनों टीमों के लिए बराबर स्थिति के ऊपर है 18-18 का इक्वल मुकाबला है और इस इक्वल मुकाबले में किस तरीके से दोनों टीमें जाएगी हमको के लिए किस तरह से खेल जाएगा आने वाले समय को ये देखने वाली बात है। बहरहाल हेमंत कुमार नंबर 4 की जर्सी के साथ स्ट्रगल के ऊपर कवर के ऊपर लैग चलाया, कवर के डिफेंस को पीछे धकेले अपने चाहते कॉर्नर पर गए जहां जैन टेकाम की ओर कॉर्नर है राजेश टेकाम के साथ और वहां से बैक फुट पर आए अपने घर के लिए सुरक्षित ढंग से 30 सेकंड के दायरे तक और अपना घर सुनिश्चित खींचा। राजेश कुमार लैग चलाया अपने जहां कॉर्नर के चल फिर में है और यहाँ से कहीं खाली जाते हैं तो मुसीबत खड़ा ना हो जाए और भी नहीं है कई बार बचे तो यहाँ से देखने वाली बात देखने वाली बात यहाँ से ये क्या हो 18-18 के मुकाबले टाइम के लिए और ओम प्रकाश जगत प्रहार के ऊपर नंबर 3 की जर्सी के साथ राइट के रेडर और राइट रेडर इस समय 7 का हाउस फुल मैदान है एक छोर से ठहरे स्कोर के साथ 18 अंक पर कबड्डी दल दौड़ी खिलाड़ी और कबड्डी दल लिम्हा एक छोर से अंत में टाइम आउट बुला लिया कबड्डी दल 18 अंक पर है दौड़ी खिलाड़ी और इस अंक को इस तरह से रखवाली कर जाएगा दोनों टीमें अंकों की आवश्यकता तो दोनों टीमों को है यहाँ से कोई हार और जीत तो सुनिश्चित हो के नहीं अंत में पृथ्वी बाल का शिकार सुनिश्चित कर लिया और पृथ्वी बाल का शिकार जहाँ सुनिश्चित किया फोन करा रहे हैं एक अंक बढ़त का लेकर के इस मुकाबले में अपने सर के ऊपर सहरा बांध करके निकलेगा इस मुकाबले से ये देखिए यहाँ से गलती हो गई बोनस प्लस 2 पॉइंट का इशारा बोनस प्लस 2 पॉइंट का इशारा मतलब 3 अंक ये इशारा आया है ऑफिशियलों की और 21-20 के मुकाबले एक अंक बढ़त पर नजर आ रही है लेकिन करके तीसरा बोनस का जहाँ अंक लिया
दौरे वाली बीस किस तरीके से खेल जाए इस मुकाबले को, हालांकि एकदम पीछे पा रही है और इस रेट को डिसएडवांटेज कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है मैच किसी रेट के उनके मन उतावलेपन को आने लगा और समा गया। उतावलेपन आने के साथ साथ कहीं जाकर के चले पाइए।